मोनाश यूनिवर्सिटी। मोनाश इंस्टीट्यूशन इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन मेलबर्न विक्टोरिया। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, हैविंग बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1958 एंड बियरिंग द सेम सर जॉन मोनाश, अ नोटेबल जर्नल फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी इज रैंक 37। एक्सेप्टेंस रेट इज एट दिस यूनिवर्सिटी इज 40%। डिस्कस करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट वाले, एयर 12 ऑस्ट्रेलियन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वाले तो कर सकते हैं, अदरवाइज हाई स्कूल वालों को मैंने देखा कि मोनाश यूनिवर्सिटी नहीं कंसिडर करती, इज बेटर नॉट टू अप्लाई। इंटरनेशनल बार्केट आईबी वाले 25-30 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। ए लेवल्स में ट्रिपल ए डबल ए बी हो, हायर द ग्रेड हायर द चांसेस एट दिस यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है विद द फर्स्ट डिवीजन। आप मुमकिन के लिए 3.0 CGPA 70% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत प्रायर चांसेस रहता है कि आपका एडमिशन हो एट दिस यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो IELTS 6.5 विद नो लेस देन 6.0 ईच कंपोनेंट, TOEFL 79 विद एटलीस्ट 18 इन स्पीकिंग, 21 इन राइटिंग, लिसनिंग 12, राइट रीडिंग 13 भी हो तो चल जाता है। PT की अगर बात करूँ 58 ओवरऑल विद नो लेस देन 50 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोनाश की जो अंडर ग्रेजुएट की फीसिस हैं तो मैं आर्ट्स की डिग्री आपको मिल जाती है बैचलर्स के ऊपर 36,500 के अंदर, बिजनेस 49,200, इंजीनियरिंग 50,200, एजुकेशन 37,100, हेल्थ साइंसेज 37,900, लॉ 49,900, नर्सिंग 38,800 में मिल जाएगा, फिजियोथेरेपी बैचलर्स में आपको 54,000 का मिलेगा, साइकोलॉजी 37,900 का मिलेगा और साइंस की डिग्री $45,800 पर एनम पर मिल जाते हैं। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करूँ तो पोस्ट ग्रेड में आर्ट्स की डिग्री $37,200 में मिलती हैं, आर्किटेक्चर 44,800 में मिल जाएगा, बिजनेस की डिग्री $50,000 पर एनम पर ऑफर होती है, इंजीनियरिंग 52,400, एजुकेशन 35,600, हेल्थ साइंसेज 50,800, लॉ 50,000 पे, साइंसेज की डिग्री $50,200, इन्वायरमेंटल साइंसेज 45,800, डेटा साइंस 46,700, बिजनेस एनालिटिक्स मास्टर्स बिजनेस MPCM कहते हैं $50,000, MBA भी सेम आपको फीस में मिल जाता है, साइकोलॉजी 46,500, नर्सिंग 41 में और पब्लिक हेल्थ $46,500 पर एनएम के इन बिटवीन मिल जाते हैं। ये इसकी प्रोग्राम की फीसिस थी। हम नज़र डालते हैं, डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका वेट कर रहे हैं। दे ऑफर अकाउंटिंग ऑनरस स्कॉलरशिप्स। अकाउंट्स वालों के लिए ऑनर स्कॉलरशिप आइडिया हो गया होगा अपने नाम से, इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो $3,000 है, एनुअली पेड होता है और सिंगल ईयर के लिए मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाउ यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। ऑटोमेटिक असेसमेंट होती है, मिल जाती है, कोई सेपरेट एप्लीकेशन की नीड नहीं होती। सेकेंड है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स स्कॉलरशिप, ये ट्यूशन फीस में पेड होती है स्टाइपेंड के तौर पे और ये $29,000 एनुअली तक चला जाता है, मैक्स 2 ईयर्स तक के लिए आपको मिलता है, क्योंकि पोस्ट ग्रेड वालों के लिए नंबर ऑफ अवार्ड 10 है ओनली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका 70% जो है वो और अबव होना चाहिए, आपका जो लास्ट डिग्री का जो ग्रेड है उससे अबव होना चाहिए, देन यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। इंटरव्यू भी होता है डेफिनेटली इस प्रोग्राम के लिए, रिसर्च प्रोग्राम है तो इंटरव्यू दे के आप उसको अवेल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है दे कॉल इंजीनियरिंग इंटरनेशनल हायर अचीवर स्कॉलरशिप, अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों के लिए $15,000 तक का अवार्ड मिल जाता है आपको। इसके लिए हायर अचीवर है, हायर द ग्रेड हायर द चांसेस, अंडर ग्रेड पे भी 25 स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेड के लिए भी होते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द बेस्ट ग्रेड यू हैव द बेस्ट चांस यू गेट दी स्कॉलरशिप, क्योंकि हायर अचीवर है लेकिन है ओनली फॉर इंजीनियरिंग के लिए। तो आप समझें कि आप अंडर ग्रेजुएट पर अगर मैं कहूँ तो आपके पास 95% प्लस अगर मार्क्स हैं तो आप सिक्योर करेंगे, इंजीनियरिंग में अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास 75% और अबव हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को सिक्योर कर सकते हैं।